नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में तमाम खबरों को जान लेने का, यानी कि हिंदुस्तान 100 का। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को नहीं खोलने पर सियासी संग्राम, राज्यपाल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जवाब, हिंदुत्व के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने को लेकर के विवाद के बीच शरद पवार ने पीएम को लिखा पत्र, राज्य के पत्र की भाषा और मंशा पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में बीजेपी का घंटना दल आंदोलन, नागपुर, शिरडी, कोल्हापुर के मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर के शिरडी में प्रदर्शन हुआ। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर के धार्मिक संगठनों का प्रदर्शन, धार्मिक संगठनों की मांग को बीजेपी का समर्थन मिला। शिवसेना नेता संजय राउत ने राज्यपाल पर साधा निशाना, कहा शिवसेना की आत्मा है हिंदुत्व, आत्मनिर्भर होकर के आत्मचिंतन करे राज्यपाल। कंगना रनौत ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है, महाराष्ट्र सरकार को बताया गुंडा सरकार, कहा सोनिया सेना बाबर सेना से भी बदतर है। सोशल मीडिया पर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के विज्ञापन पर भारी विरोध, विवाद के बाद यूट्यूब से हटाया गया विज्ञापन, अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा विज्ञापन कई मायनों में गलत है। हाथरस केस में आज भी सीबीआई पूछताछ को आगे बढ़ाएगी, इस सिलसिले में कई और लोगों से होगी पूछताछ। हाथरस केस में जांच शुरू करेगी ईडी, मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों से फंडिंग को लेकर के आज होगी पूछताछ, अफवाह फैला करके हिंसा भड़काने का मामला। हाथरस कांड में सीबीआई ने पीड़ित के भाई को छोड़ा, सीबीआई ने करीब 4 घंटे की पूछताछ की। हाथरस केस में क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम ने 2.5 घंटे तक जांच की है, क्राइम वाली जगह से कई सबूत इकट्ठा किए गए। हाथरस में पीड़ित के अंतिम संस्कार वाली जगह पर सीबीआई ने की छानबीन, आधी रात को पुलिस प्रशासन ने कर दिया था पीड़ित का अंतिम संस्कार। प्रवर्तन निदेशालय को मिली पीएफआई सदस्यों से पूछताछ की मंजूरी, मथुरा जिला कारागार में ईडी करेगी पीएफआई सदस्यों से पूछताछ। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रिहा, 14 महीने से नजरबंद थी महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक मदरसे के 13 छात्रों का आतंकी संगठनों से जुड़े होने का खुलासा हुआ, 3 टीचर पीएसए के तहत गिरफ्तार। पाकिस्तान की कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार पहुंचाने की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास जब्त किया हथियारों से भरा बैग। भारत चीन एलएसी से सैनिकों के पीछे हटने पर जल्द सहमति बनाने को राजी, कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के संयुक्त बयान। दिल्ली में हिंदू सेना ने चीनी दूतावास के बाहर लगाया पोस्टर, पोस्टर में सांसद फारूक अब्दुल्ला को गोद लेने की अपील की गई। पीएम मोदी ने बाला साहेब विखे पाटिल पर लिखी गई किताब को किया है लॉन्च, कहा विखे पाटिल का गरीब किसान और जीवन को आसान बनाना मूल मंत्र था। राजस्थान के श्रीनगर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, गुब्बारे पर अंग्रेजी में लिखा है PIA, पुलिस ने गुब्बारे को जब्त किया। त्योहार पर 196 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। मथुरा में योग प्रदर्शन के दौरान बाबा रामदेव के साथ हादसा हुआ है और हाथी से गिरे हैं बाबा रामदेव, हाथी पर बैठकर कर रहे थे योग। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई खुशबू पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस में सत्य बोलने की आजादी ही नहीं, उनकी वहां कोई इज्जत नहीं। तेलंगाना के निजामाबाद में गुस्साई भीड़ ने झोला छाप आयुर्वेदिक डॉक्टर की जमकर पिटाई की, बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। किसान संगठनों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक, आज कृषि बिल पर जारी बवाल को शांत करने की कवायद, कल राजनाथ से की बातचीत। सुशांत केस में कुछ चैनलों की कवरेज पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकती है फैसला, 8 अधिकारियों ने मुंबई पुलिस की छवि खराब करने को लेकर के दाखिल की है याचिका। दिल्ली मेट्रो कराएगी सर्वे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए यात्रियों की टाइमिंग और फुटबॉल के हिसाब से करेगी ट्रेनों का परिचालन। पिछले 8 महीनों में दिल्ली की आबो हवा सबसे खराब हुई, ज्यादा प्रदूषण से कोरोना के मामलों में हो सकती है बढ़ोतरी। पराली से प्रदूषण पर सियासत, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा केंद्र सरकार की निष्क्रियता का खामियाजा भुगतने को पड़ रहा है, किसानों को अब नहीं जलानी पड़ेगी पराली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पराली को खेत में नष्ट करने के लिए केमिकल स्प्रे किया लॉन्च। मुंबई के वेस्टर्न रेलवे रूट पर लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, 15 अक्टूबर से लोकल ट्रेनों पर 194 फेरे बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने मुंबई में बुधवार को जारी किया येलो अलर्ट, तेज हवा के साथ कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा किसानों ने देश को खाद्य सुरक्षा दी है और सरकार ने सिर्फ धोखा दिया। नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर किसानों का हल्ला बोल। हरियाणा में विधायकों की नई पहचान, लाल बत्ती की जगह अब विशेष झंडी। सीएम नीतीश कुमार आज से चुनाव प्रचार अभियान का करेंगे आगाज, अमरपुर में होगी पहली चुनावी सभा, प्रचार में 7 निश्चय पर होगा जोर।
राघोपुर सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे तेजस्वी यादव। बीजेपी के सतीश यादव से होगा मुकाबला। 2015 में इसी सीट से तेजस्वी को मिली थी जीत। चुनावी रैली में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, आरजेडी जीती तो कश्मीर से भाग बिहार में शरण लेंगे आतंकी। जेडीयू ने 15 बागी नेताओं पर लिया एक्शन। पार्टी अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। आरजेडी ने अपने 25% सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है। विधायकों के कामकाज के आधार पर कटा टिकट। सीएम नीतीश कुमार ने 11 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद, गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली पर आरजेडी ने साधा निशाना। आरजेडी नेता सुबोध राय ने कहा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आरजेडी नेता मनोज झा का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। 10 नवंबर को जनता एक अन्य मार्ग का चेहरा बदल देगी। बिहार के दानापुर से एमएलसी रीतलाल यादव ने नामांकन भरा है और हाल ही में जेल से छूट कर गया है रीतलाल यादव। ठंड में तेजी से बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण। स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, कहा त्यौहार और सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। देश में अगले साल तक आ सकती है कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा देश में वैक्सीन वितरण पर विशेषज्ञ कर रहे हैं काम। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3036 नए मामले सामने आए, 45 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान 1325 नए केस आए सामने, 38 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8522 नए सामने आए हैं मामले, 187 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 72 लाख के करीब पहुंचा। अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,342 नए मामले सामने आए, 706 लोगों की मौत हुई। आरोग्य सेतु ऐप की WHO ने की तारीफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि ऐप से कोरोना की जंग में मिल रही है बड़ी मदद। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया इसे। जॉनसन एंड जॉनसन ने रोका COVID-19 वैक्सीन का ट्रायल। ट्रायल में भाग ले रहे एक मरीज के बीमार होने की वजह बताई गई। आलोचनाओं के बीच मैक्सिको का ऐलान, साल 2021 के अंत तक 90% आबादी यानी कि 11.6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना। WHO का भी सपोर्ट है। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है पहली लिस्ट। 6 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। यूपी उत्तराखंड की राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। यूपी की 10 और उत्तराखंड की 1 पर 27 अक्टूबर को नामांकन, 9 नवम्बर को चुनाव है। गोंडा एसिड अटैक के पीड़ितों को प्रशासन ने दी है 5 लाख रुपए की मदद। अखिलेश यादव ने भी परिवार को 1 लाख रुपए देने की बात कही। यूपी के अलीगढ़ में सिलेंडर ब्लास्ट से ढही इमारत, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, 6 घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। बेरोजगारी और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में गड़बड़ी को लेकर के देहरादून में सड़क पर उतरे हैं एनएसयूआई कार्यकर्ता। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई। यूपी में 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स। यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार में अब नौकरियों पर गिरने लगी है गाज। मंडी बोर्ड ने खत्म कर दी है आउटसोर्सेज के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाएं। चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर हाईकोर्ट सख्त है। कलेक्टर्स और SP को नियम तोड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई के निर्देश। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रचार रथ से सिंधिया की तस्वीर गायब है। कांग्रेस का तंज, बीजेपी ने इस्तेमाल करने के बाद सिंधिया को अलग किया। छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव की जंग जीतने के लिए कांग्रेस ने झोंकी है पूरी ताकत। सांसदों, संसदीय सचिवों, विधायकों को दी है नई जिम्मेदारी। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। DRG के जवानों ने ध्वस्त किया कैंप। जबलपुर में ऑटो ड्राइवर से मारपीट के दौरान मुख्य आरोपी अभी भी फरार, 10,000 का इनाम घोषित। शिवराज सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था चौपट। मुरैना में 200 रुपए की मजदूरी मांगने पर दबंगों ने पीट पीट कर मजदूर को उतारा मौत के घाट। कटिहार के शिवानंदपुर गांव में आग से झुलस करके एक महिला और 3 बच्चों की मौत हुई है। लालटेन से झोपड़ी में आग लग गई। राजस्थान के कोटा में ऐतिहासिक शिव मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। मंदिर की जमीन पर बसाई गई कॉलोनी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। रेस्क्यू के लिए SDRF की टीम पहुंची। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। जान जोखिम में डाल करके लोग रास्ता पार करने को मजबूर। तमिलनाडु के शिवकाशी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एप्पल ने ग्राहकों को आईफोन 12 सीरीज का दिया तोहफा। नए 5G वायरलेस नेटवर्क से लैस 4 iPhones का किया अनावरण। एप्पल ने लॉन्च किए आईफोन 12 की कीमत का भी खुलासा किया है। $699 से $1,099 होगी शुरुआती कीमत। अगस्त में 8% घटी IIP की ग्रोथ, जबकि महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 7.34% हुई। 30 अक्टूबर को आएगा इक्विटस SBF का IPO। कंपनी ने प्राइस बैंड को 34 से 35 रुपए प्रति शेयर किया तय।
यूटीआईएमसी का आईपीओ, खरीदने वाले को लिस्टिंग में हुआ नुकसान, कंपनी का शेयर 12% डिस्काउंट पर हुआ लिस्ट। अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र का संयुक्त नोबेल, ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नए फॉर्मेट्स की खोज के लिए मिला। पिपिस्को भारत में बढ़ाएगी अपनी कारोबार, उत्पाद प्रदेश में पिपिस्को 814 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 20 रनों से दी है मात, जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टूर्नामेंट में उम्मीदें बरकरार। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना पॉजिटिव, पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ ने दी जानकारी। अपने फिल्म थराइवी का शेड्यूल पूरा कर घर हिमाचल प्रदेश पहुंची कंगना रनौत, सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए दिखाई हिमालय की सर्दियों की तस्वीर। सिनेमा हॉल खुलते ही फिल्मों की आएगी बहार, नवंबर में बंटी और बबली पार्ट 2, इंदु की जवानी, छलांग और टैनेंट जैसी फिल्में होंगी रिलीज। चुनाव प्रचार को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे फ्लोरिडा, कोरोना से संक्रमण के कारण बीच में ही लौटना पड़ा था। ब्रिटेन में रह रहे अमेरिका के लोगों ने लंदन के अमेरिकी दूतावास में राष्ट्रपति पद के लिए डाला वोट, अमेरिका में 3 नवंबर को होगा चुनाव। अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचे जाने पर भड़का चीन, कहा हम चुप नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ लीगल और जरूरी कदम उठाएंगे। आर्थिक तंगी से नॉर्थ कोरिया की हालत खस्ता हुई, इकोनॉमी बूस्ट कैंपेन के समर्थन में सेना ने आम जनता के साथ मिलकर की रैली। सर्बिया ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में चीन निर्मित लड़ाकू ड्रोन ने भी अपनी उड़ान से ताकत दिखाई। चीनी की राजधानी में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई, पुलिस ने वाटर कैनन और टियर गैस का इस्तेमाल किया। सड़क पर हादसों के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इस ट्रक ने सड़क पर दौड़ रही कारों को ऐसा रौंदा कि एक एक कर सभी के पर खच्चे उड़ गए। ये मदर ऑफ द ईयर, बच्चे ने शैंपेन ग्लास को जैसे ही गिराने की कोशिश की, फटाफट उन्होंने ग्लास को टूटने से बचा लिया। सोशल मीडिया पर ये चूहा फैशनेबल के नाम से वायरल हो रहा है। आराम में खलल पड़ने और किसी को बर्दाश्त ये नहीं होता है, मां बेटी झूले पर रिलैक्स होकर के बैठी थी और तभी हो गया हादसा, दोनों के सिर में चोट की आई। खाना गर्म हो और जोर की भूख लगी हो, आप जैसे ही निमाला मुंह में डालते हैं कुछ इस तरीके का रिएक्शन सामने आता है। कई बार फान करके भागना जरूरी हो जाता है आपके लिए और आप कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब किस्मत साथ ना आए तो कुछ ऐसा ही होता है। पानी में मस्ती करते समय खास सावधानी आपको बरतनी चाहिए, पानी के अंदर होने वाले हादसों में चोट लगने के साथ साथ डूबने का भी डर रहता है। ट्रेडमिल वाली कमाल की साइकिल देखिए, आप वॉक करते करते आप बाजार से सामान भी ले आए, एक टाइप के लिए आप कितनी लंबी छलांग लगा सकते हैं। जनाब को देखिए सड़क पार करते हुए किस तरीके से इन्होंने पानी में छलांग लगाई। समंदर की लहरों के बीच ज्वालामुखी से निकला खौलता हुआ लावा। घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।